नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्रद्धांजलि सभा अग्रोहा में दी गई पूर्व मंत्री डॉक्टर सकराजित नायक को विनम्र श्रद्धांजलि। रायगढ़ अग्रोहा भवन में आज शहर के गणमान्य नागरिकों व लोगों ने पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर सकराजित नायक को सरकार व प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आरंभ सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए शाम 4 बजे से प्रारंभ हुआ, जो शाम 6 बजे तक चलता रहा। सर्वप्रथम उनके सुपुत्र विधायक प्रकाश नायक ने अपने पिता के चलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, व्यापारी बंधुगढ़ व शहर के विभिन्न गणमान्य नागरिकों व डॉक्टर साहब के चाहने वाले लोगों ने बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके प्रति अपने विचारों के भावों को प्रकट किए। विधायक को दिए सांत्वना। पूर्व सिंचाई मंत्री नायक को श्रद्धांजलि देने के बाद शहर के गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर नायक के सुपुत्र विधायक प्रकाश नायक, विकास नायक, ऋतिक नायक व परिवार के सदस्यों को दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया व भगवान से डॉक्टर नायक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। परसों का दसगात्र है, लेकिन हम लोग उसको बहुत सीमित रूप से करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड का महामारी फैला हुआ है। इसीलिए आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा हूँ कि लोग मिलें और चले जाएं। और नहीं तो हमने देखा है कि कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उससे कोरोना ना फैले करके हम लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम रखा है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि रायगढ़ की जनता, हमारी रायगढ़ की जनता कोरोना से मुक्त रहे और उनकी आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मेरे पिता को मिलता रहे। ये डॉक्टर सकरजीत नायक जी का आकस्मिक निधन विगत दिनों हो गया और उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन आज रायगढ़ अग्रोहा भवन के सभागार में आयोजित है। डॉक्टर सकरजीत नायक व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से ऊपर रखते और न केवल छत्तीसगढ़ में वरन अविभाजित मध्य प्रदेश के एक बड़े किसान नेता रहे हैं। उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में किसानों से जुड़ी बातों को, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से रखा है। रायगढ़ से KSN 24 के लिए बंसी निराला की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।